नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वो चर्चा करेगा भारत के अंदर होने वाले एक अभूतपूर्व परिवर्तन के बारे में। वो परिवर्तन क्या है? वो है HUID, यानी कि हॉलमार्क यूनिक आईडी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। मतलब जितने भी आपके द्वारा सोने या चांदी की ज्वेलरी खरीदी जाती हैं, स्पेशली जो सोने की ज्वेलरी फिलहाल आपके द्वारा खरीदी जाती हैं या सोना खरीदा जाता है, कुछ भी ऑर्नामेंट सोने से बना हुआ आपके द्वारा खरीदा जाता है, तो उसके ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डालने वाली है सरकार। क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? क्योंकि भारत के अंदर जो सोना है, गोल्ड जो होता है, वो अपने आप में एक भावनाओं से जुड़ी हुई वस्तु होता है। हम सभी की भावनाएं सोने के साथ जुड़ी होती हैं, और मुसीबत के समय में सोना जो होता है वो हम सब लोगों के काम में आता है। तो ऐसे स्थिति में सोना कितना प्योर है या प्योर नहीं है, या फिर उसकी प्योरिटी की गारंटी किस प्रकार से की जाए, इसी की सुरक्षा के लिए ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। चर्चा करेंगे कि जो अब तक जो हम सोने की शुद्धता की बात करते हैं, तो शुद्धता किस प्रकार से नापी जाती है सोने की, और जो सुनार लोग होते हैं, जो अनरजिस्टर्ड सुनार होते हैं, वो किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप इस सेशन को देखने के बाद किस प्रकार बेवकूफ़ी करने से या फिर बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर चैनल पर नए हैं, परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो न्यूज निकल कर आती है कि नो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विदाउट HUID, मतलब किसी भी गोल्ड ज्वेलरी की सेल अब नहीं होगी बिना HUID के 1 अप्रैल के बाद। जो 1 अप्रैल 2023 आने वाला है, इसके बाद ये HUID जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। फ्रॉम अप्रैल 1 ओनली गोल्ड ज्वेलरी विल हॉलमार्किंग टू बी सोल्ड इन इंडिया। मतलब पूरी तरह से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने के बाद ही इस ज्वेलरी को खरीदा या बेचा जा सकता है। मुद्दा आखिर है क्या? केंद्रीय उपभोक्ता मामले की जो मंत्रालय है, उसके द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से हॉलमार्क विशिष्ट पहचान जो है, जिसको कि हम HUID के नाम से जानते हैं, इस संख्या के बिना सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। मतलब ये अनिवार्य हो जाएगा। HUID का मतलब जो है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन से है। इसे 1 जुलाई 2021 से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क प्रतीकों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। अभी तक जो मानक इस्तेमाल किया जाता है वो है BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये जो है मानक होता है, BIS की मोहर लगी हुई होती है, और सोने की शुद्धता जो होती है उसकी गारंटी ये BIS के द्वारा दी जाती है। तो ये जो HUID की बात चल रही है, क्या ये एकदम से अचानक से आ गई है? तो ऐसा नहीं है, अचानक से ये नहीं आई है, बल्कि 2021 से ही इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग चल रही थी। जो सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं कुछ जिलों के अंदर, उस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद ये कार्यक्रम, इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग हो चुकी है और सफलतापूर्वक टेस्टिंग हुई है। 1 जुलाई 2021 से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्किंग प्रतीकों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। पहले चरण में देश के 256 जिलों को कवर किया गया। BIS द्वारा 4 अप्रैल 2022 की एक अधिसूचना में घोषणा से दूसरा चरण जो है वो इसका शुरू किया गया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप यदि वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी की, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। BIS क्या है? तो इसकी 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है इसको। वर्तमान में ये जो है एक स्टेट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक ये जो है एक विधिक संस्था है। विधिक संस्था संस्थाएँ जो है दो प्रकार की होती हैं, एक जो संविधान के अनुसार बनती है, भारत के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं संविधान के अनुरूप यदि कोई संस्था बनती है तो उसको जाना जाता है संवैधानिक संस्था, और यदि किसी अन्य कानून, संविधान से अलग हटकर किसी अन्य कानून को पारित करने के माध्यम से यदि कोई संस्था बनती है तो उसको जाना जाता है विधिक संस्था, यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी। तो ये जो है BIS जो है वो संवैधानिक संस्था ना होकर एक जो है ये विधिक संस्था है। इसके बाद अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में ये आती है। हॉलमार्किंग क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों होती है? हॉलमार्क जो है सोने के आभूषणों पर एक निशान जैसे होते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त इकाई द्वारा इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चिपकाया जाता है। इसलिए जब भी आप कोई सोने के आभूषण खरीदें तो ठगी से बचने के लिए हॉलमार्क को जरूर चेक कर लें। सोने के गहनों के लिए 2000, चांदी के गहनों के लिए 2005 में ये हॉलमार्क जो है वो लागू किया गया था। फिलहाल जो है BIS जो होता है इसकी स्टाम्प लगती है। क्या होता है, क्या नहीं होता, आगे आने वाले समय में हम इसी सेशन में चर्चा करने वाले हैं। HUID नंबर क्या है? तो ये जो है एक अद्वितीय मतलब एक यूनिक होगा। दुनिया के अंदर जो नंबर आपकी ज्वेलरी के ऊपर दिया जाएगा वो कहीं भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, आपका जो आधार नंबर होता है वो यूनिक होता है। आधार नंबर दुनिया में दो आधार
नंबर किसी भी व्यक्ति के सेम नहीं हो सकते हैं। तो आधार जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और बात करें थोड़ी सी और, आपका जो फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर होता है, तो दो मोबाइल नंबर किसी भी तरह किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसी तरह से हर किसी ज्वेलरी, चाहे वो आपके कान में पहनने की हो, चाहे वो आपके नाक में पहनने की हो, चाहे वो आपके गले में पहनने का हो, चाहे वो आपकी सोने की चूड़ियां हो, सबके ऊपर एक अलग बिल्कुल एक विशिष्ट पहचान संख्या लगाई जाएगी, जिससे कि आसान हो जाएगा आपको अपनी ज्वेलरी का पता लगाना कि ये मेरी ज्वेलरी है या फिर। और इसको जो है चेक भी किया जा सकता है इसकी वेबसाइट के द्वारा। UHID जो है एक अद्वितीय 6 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल। अब ये अल्फा न्यूमेरिकल क्या है, तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाएगा और न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उनका भी प्रयोग किया जाएगा। मतलब नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, 4 इनका भी प्रयोग किया जाएगा और ABCD जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनका भी प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई नंबर लिख दिया जाता है A15C48, अब ये 6 डिजिट हो गए, तो इसी प्रकार का एक नंबर जो है वो आपको दे दिया जाएगा जो कि अल्फा न्यूमेरिक होगा और ज्वेलरी के ऊपर उसको लगाया जाएगा। हॉलमार्किंग के जिसमें संख्याएं और अक्षर शामिल होंगे, हॉलमार्किंग के समय आभूषण के हर टुकड़े को HUID दिया जाएगा और यह आभूषण के हर टुकड़े के लिए अद्वितीय होगा। इस विशिष्ट नंबर पर परख और हॉलमार्किंग केंद्रों में आभूषणों पर मैनुअल रूप से मोहर लगाई जाती है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पहले HUID 4 अंकों का होता था, अब बाजार में 4 और 6 अंकों के दोनों का उपयोग किया जाता है। 1 अप्रैल 2023 से केवल 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिकल कोड की अनुमति दी जाएगी, मतलब आपकी ज्वेलरी पर होगा। BIS हॉलमार्क के अंदर 3 प्रतीक फिलहाल हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं, यदि आप कोई ज्वेलरी लेते हैं रजिस्टर्ड शॉप से, यदि आपका जो सुनार है जिसके पास आप जाते हैं ज्वेलरी का काम करते हैं, तो यदि वो रजिस्टर्ड है तो उसके पास BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी रहती है। तो BIS हॉलमार्क के अंदर हमें देखने को मिलता है ये जो इस प्रकार का एक हॉलमार्क ज्वेलरी के ऊपर बना हुआ देखने को मिलता है, और एक जो है एक नंबर हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है ये। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा हम आगे आने वाली स्लाइड में अगर करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। एक आपको आपकी ज्वेलरी के ऊपर दिखाई देता है BIS का लोगो जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। दूसरा आपको दिखाई देता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड वाला एक नंबर लिखा हुआ, जो कि एक फिर से एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ जो सोने की शुद्धता जो होती है उसको नापा जाता है कैरेट के माध्यम से। कैरेट कितने कैरेट का ये सोना है उससे पता चलता है सोने की शुद्धता। और दुनिया के अंदर जो सबसे शुद्धतम सोना पाया जाता है उसका जो कैरेट होता है वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का होता है वो सोना। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, तो हम जो है 24 कैरेट की ही ज्वेलरी क्यों ना बनवा लेते हैं। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, उससे ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। इसकी ज्वेलरी जो है बहुत आसानी से मुड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। इसी प्रकार से 24 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है उससे किसी प्रकार की ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है, और यही होता है 24 कैरेट वाला प्योर गोल्ड। तो प्योर गोल्ड जो होता है, उसके बाद जो सुनार जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। ये जो ऊपर बातें हैं कोड का जो महत्व है उसको हम अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है, तो इसके अंदर की जाती है कुछ ना कुछ मिलावट। अब मिलावट जो है किसी अन्य धातु की जाती है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि प्योर गोल्ड है वो, जब इसके अंदर मिलावट कर दी जाती है तो यहाँ निकल कर आता है, एक आता है 22 कैरेट। 22 कैरेट यानी कि 916 22 कैरेट यहाँ पे लिखा हुआ है। 22 कैरेट का मतलब है 916। तो 916 का अगर हम मतलब समझते हैं तो इसका मतलब है 91.6% जो है उस 22 कैरेट का जो सोना आप खरीदते हैं, 22 कैरेट की जो आप ज्वेलरी खरीदते हैं, उसके अंदर जो सोने की मात्रा है वो है 91.6% लगभग। 91.6% उसके अंदर सोना है और 8.4% जो बच गए, 8.4% उसके वजन के अंदर से जो बच जाते हैं वो होता है अन्य धातु। अन्य धातु जो होता है वो इस प्रकार से इसके अंदर मिलाया जाता है और सोने के भाव में ही इसको बेच दिया जाता है। आपके मन में जो सवाल होते हैं कि कई ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर जो कम दाम हो जाते हैं सोने के, वो किस प्रकार से हो जाते हैं, तो अब आप इस कैरेट को समझते चलिए। यहाँ आप नंबर जो हम देखते हैं इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 22K, यानी कि ये जो आभूषण आपके सामने है इसके अंदर 22 कैरेट का सोना इस्तेमाल किया गया है, 22 कैरेट है। और इसके बाद जो 916 लिखा हुआ है इसका मतलब है 91.6% गोल्ड की मात्रा इसके अंदर है। ये मतलब है आपके कैरेट का, कैरेट के अंदर ये जो कोड है, इस प्रकार से इसको कोड को आप देखकर चेक कर सकते हैं कि कितनी मात्रा आपके सोने के अंदर है। 22 कैरेट गोल्ड के अंदर 91.6%, मतलब
जो अन्य धातु मिलाई गई है इसके अंदर 8.4% वो भी सोने के भाव ही बिक रही है। इसी वजह से इस भाव को कम ज़्यादा करते हुए ज्वेलर्स जो है वो आपके साथ खिलवाड़ कभी कभी कर देते हैं। 22 कैरेट के बाद एक प्रकार का सोना और देखने को मिलता है जिसको हम जानते हैं 18 कैरेट। 18 कैरेट के आगे लिखा हुआ है 750। 750 का यहाँ तात्पर्य है कि 75% ही उसके अंदर सोना होता है, मतलब जो गोल्ड की मात्रा है उसके अंदर है 75% और 25% की गई है उसके अंदर मिलावट। मतलब यदि गोल्ड की कीमत आज हम देखते हैं लगभग 50,000 रुपये यदि मानते हैं, तो जो 25% अन्य धातु मिलाया गया है, जैसे कि अगर 10 ग्राम आपने सोना खरीदा तो 10 ग्राम के अंदर आपको 7.5 ग्राम मिलने वाला है गोल्ड और 2.5 ग्राम मिलने वाला है अन्य मटेरियल, तो अन्य मटेरियल जो है वो भी 50,000 रुपये पर 10 ग्राम की कीमत के अंदर ही चला जाता है। तो इससे जो है एक बड़ा फ़ायदा सुनार के लिए देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि कई जगह सुनारों के दुकानों पर जो रेट होते हैं ज्वेलरी के वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, 75% जो गोल्ड है, इसके बाद एक तरीके का सोना और निकाला गया। वो क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि गोल्ड जो है वो हर किसी वस्तु व्यक्ति की पहुँच तक नहीं होता है। कुछ लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस सोने को देखा जाता है भावनात्मक रूप से, जैसे कि किसी की बेटी की शादी है या फिर किसी की बहन की शादी है तो गोल्ड जो है वो ज़रूर जाता है। तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो जो है इस प्रकार के ऑप्शंस को भी ले सकते हैं कि सोना जो देना है वो तो दिया जाएगा, आभूषण तो दिए जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से सुनार जो होते हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। अब कारण यही है कि जो गोल्ड है, कैरेट का मतलब लोगों को नहीं पता होता है कि क्या शुद्धता होती है, और सुनार जो है BIS स्टैंडर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। सोने के अंदर भारी मिलावट करने के बाद अन्य मटेरियल जैसे कि पीतल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, पीतल प्लस सोना यदि मिक्स किया गया है तो पीतल प्लस गोल्ड के साथ जो गोल्ड की कीमत में ही पीतल जो है उनका चला जाता है। इसी वजह से कीमत भी वो लोग कम करने में कामयाब हो जाते हैं आपके लिए, और आपको इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास सालों से चलता हुआ आ रहा है। एक और जो सोना निकाला गया है, और यहाँ देखते हैं आप, 14 कैरेट गोल्ड आपको देखने को मिलता है। 14 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 585, इसके आगे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मात्र 58.5% ही सोना है। गोल्ड की जो मात्रा है इसके अंदर सिर्फ 58.5% है, बाकी जो बचा हुआ है मटेरियल जो लगभग 41.5% जो मटेरियल रह जाता है वो अन्य मटेरियल देखने को मिलता है। मतलब गोल्ड की जो कीमत आपको यहाँ देनी चाहिए, इसके अंदर सिर्फ 58.5% की कीमत सोने की आपको चुकानी है, बाकी जो मेकिंग चार्जेस होते हैं ज्वेलर्स के द्वारा अलग से लिए जाते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी का जो मटेरियल है उसके ऊपर जो 41.5% जो लगभग मटेरियल बचा, उसकी कीमत जो है जितनी भी ज्वेलर के द्वारा ले ली जाती है ये उसका मुनाफा होता है, और इसी कीमत के अंदर ये भाव को ऊपर नीचे करने के बाद खिलवाड़ पूरी दुनिया से करते रहते हैं। कारण यही है कि सुनार की जो दुकान होती है वो चाहे एक छोटी सी पनवाड़ी टाइप की दुकान होती है, लेकिन वो उसी दुकान से अपने लिए आलीशान महल की निर्माण जो है वो करने में कामयाब हो जाता है। उम्मीद है साथियों, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, ये जो मार्किंग है जो दिखाई देती है, और अगले जो मार्क दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं जो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है या फिर आप किसी भी ब्रांड का सोना खरीदते हैं उनकी जो है ये होल मार्किंग होती है। ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है असेंग होल मार्किंग सेंटर्स मार्क, मतलब होल मार्क किस सेंटर में लगाया है उसका मार्क आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये था पूरा का पूरा गणित जो कि सुनार आपके साथ करते हैं, और कैरेट की जो क्या व्यवस्था है, उम्मीद है आपको ये पूरी व्यवस्था समझ में आई होगी। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, हॉलमार्क की जांच कैसे करें। कोई भी सोने का गहना 100% सोने से नहीं बनता है। 24 कैरेट गोल्ड का कोई भी आभूषण नहीं बन सकता है, क्योंकि पीली धातु अपने आप में बहुत नरम होती है और इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाकर गहने की वस्तुओं में आकार देना पड़ता है। आभूषण जितने शुद्ध होंगे, यानी किसी आभूषण में जितना अधिक सोना होगा वह उतना ही महंगा होगा। हॉलमार्क वाले गहनों की 3 श्रेणियाँ होती हैं जो हम चर्चा कर चुके हैं। 22 के मतलब 22 कैरेट का ये गोल्ड हो गया, और 916 यानी कि 91.6% इसके अंदर जो है वो गोल्ड है, मतलब 22 कैरेट सोना है और आभूषण के टुकड़े में 91.6% सोना है। और बाकी जो 18 कैरेट है और 14 कैरेट है उनकी किस प्रकार से वैल्यू है आप उम्मीद है पूरी तरह से समझ गए होंगे। गोल्ड हॉलमार्किंग की ज़रूरत जो है क्या होती है। भारत जो है वो सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि देश में हॉलमार्क वाले गहने बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि हम जो है हमारे लोकल जो दुकानदार होते हैं उन्हीं के पास हम आना जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन दुकानदारों के द्वारा जो अनरजिस्टर्ड दुकानदार हैं उनके द्वारा आपको सोना नहीं दिया जाता, बल्कि आपको जो है भरोसा दिया जाता है। आप भरोसे पर ही सिर्फ उनके यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि आप उनको विश्वसनीय मानते हैं, आप
कहे अनुसार यदि कोई व्यक्ति रेट कम भी कर लेता है आपके कहने से, फिर आप उसकी वो आपके लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं एक अच्छी इज्जत पा लेता है, लेकिन उस इज्जत के पीछे वो आपकी भावनाओं के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर सकता है अब आप पूरी तरह से समझने में सक्षम हो चुके होंगे। देश में हॉलमार्क वाले गहने का स्तर जो है बहुत कम है। अनिवार्य हॉलमार्किंग जनता को कम कैरेट शुद्ध सोने का अंश से बचाएगा, मतलब यदि हॉलमार्किंग प्रॉपर होगी तो कितना सोना है आपके गहने के अंदर आपको ये पता होगा। ये जो है सुनिश्चित करेगा कि सोने के आभूषण खरीदते समय उपभोक्ता ठगे ना जाएं, क्योंकि ये BIS जो है, BIS का जो लोगो है हम देखते हैं वो क्या है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो जो है वो इसका लोगो है। तो ये जो काम करता है BIS वो पूरी तरह से इसी तरफ काम करता है कि जो लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, वो ठगे ना जाएं किसी प्रकार से, उनकी जो है हित हैं, उनकी जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि जो दुकानदार है वो आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है ऐसा एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन BIS जो है वो सुनिश्चित करता है कि आपको जो है ठगे ना जाएं। यह गहनों पर अंकित शुद्धता प्राप्त करने में मदद करेगा, यह पारदर्शिता लाएगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन देगा। यह आभूषणों के निर्माण की प्रणाली में विसंगतियों और भ्रष्टाचार को दूर करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण कदम जो है ये उठाया गया है। हॉलमार्किंग के फायदों की अगर हम बात करें तो HUID प्रत्येक आभूषण के लिए यूनिक होता है, आभूषण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, उपभोक्ता को उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में पता है जिसे वह खरीद रहा है और उसे धोखा जो है वह नहीं दिया जाएगा इसके माध्यम से। गहनों की गुणवत्ता की गारंटी होती है, इसलिए दोबारा बेचे जाने पर उस आभूषण की अधिक कीमत मिलेगी, क्योंकि सोने के दाम यदि बढ़ जाते हैं तो आपको उसकी अधिक कीमत मिलनी चाहिए। गिरवी रखी गई ज्वेलरी पर हॉलमार्क होने से बैंक बेहतर शर्तों पर कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन का आजकल काफ़ी चलन चल रहा है। गोल्ड लोन हम लोग लेते हैं, गोल्ड लोन में जब हम सोने को देते हैं किसी भी एजेंसी को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं मुथूट फाइनेंस एक ऐसी एजेंसी है जो गोल्ड लोन देती है, तो गोल्ड लोन इनके द्वारा दिया जाता है। तो आप अपना सोना जब इनके पास लेने जाएंगे उसके ऊपर ये जो हॉलमार्क वाला जो नया स्टैंडर्ड है HUID लगा हुआ होगा, तो उससे जो है पूरी तरह से उसको मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन के अंदर डालकर जानकारी ली जा सकती है कि ये HUID वाला गहना जो है निकाला गया है या फिर इसकी हॉलमार्किंग की गई है। तो ये आसान हो सकता है इससे लोन लेना और आपकी ज्वेलरी जो है वो सुरक्षित रखी जा सकती है। डेटा गोपनीयता या सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है। सत्यापन की बात करें, BIS केयर ऐप पर, मतलब एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, इनके द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर वेरीफाई HUID यानी कि आपका जो आभूषण है उसके ऊपर जो HUID लगी हुई है, यदि आप चाहते हैं कि आप मिलाकर देखें सरकार से कि इस प्रकार का कोई मेरा ये कहीं कोई फर्जी नंबर डालकर तो मुझे नहीं दिया गया है, तो आप उस ऐप के अंदर जब भी जैसे ही आप वो 6 डिजिट वाला नंबर डालेंगे, उस 6 डिजिट वाले नंबर को डालते ही सारा डाटा आपके पास आ जाएगा कि आपकी जो ज्वेलरी है वो कब किस वक्त BIS हॉलमार्किंग उसकी चेकिंग के बाद की गई है। ये फ़ायदे इसके जो है होने वाले हैं, इसका जो है एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ लॉन्च किया जाएगा। आप पुराने आभूषणों की शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं? आपके मन में काफ़ी शंकाएं हो गई होंगी कि हमारे घर पर जो ज्वेलरी रखी हुई है या फिर हमारे पास जो ज्वेलरी है वो कितनी शुद्ध है, इसका पता हम कैसे लगाएं? तो यदि आपने अगर अनरजिस्टर्ड दुकानदार से या कहें कि अनरजिस्टर्ड जो सुनार होते हैं उनसे यदि आपने सोना लिया हुआ है, तो यदि आप अपने सोने की चेकिंग कराने जाते हैं तो आपकी आंखें शायद फटी की फटी रह सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको शुद्ध सोना की सोने की मात्रा जो है बहुत कम मिलने वाली है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसकी अगर चर्चा करें, किसी भी BIS मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र में सोने के आभूषणों की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। इसके लिए आपको ₹200 का शुल्क देना होता है। हालांकि उपभोक्ता अपने सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क प्राप्त करने के लिए असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में आवेदन नहीं कर सकते हैं, मतलब आप जाना चाहें तो आप डायरेक्ट जो है नहीं जा सकते हैं हॉलमार्किंग कराने के लिए। आपको एक BIS पंजीकृत जौहरी यानी कि जो सुनार है BIS पंजीकृत है उसके माध्यम से जाना होगा, तो आप जो है अपनी जाँच करा सकते हैं सोने की यदि आप चाहें तो। HUID के साथ साथ समस्याएँ क्या क्या हो सकती हैं, ये भी एक बड़ा पहलू है हमारी आज के डिस्कशन का। HUID प्रक्रिया हॉलमार्किंग को बहुत बोझिल और समय लेने वाली बनाती है, क्योंकि हर किसी जो आभूषण है उसके ऊपर मैनुअल यानी कि अलग अलग तरीके से व्यक्तियों के द्वारा ये कोडिंग जो है वो की जाएगी। केंद्रों पर इन्वेंट्री का ढेर भी गहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि आपका जब गहना जाएगा हॉलमार्किंग के लिए तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉक जो है पहले से ही वेटिंग में होगा, समय भी ज़्यादा लग सकता है। यही कारण है कि दुकानदार जो है आपको इन्हीं कारणों के चलते बेवकूफ़ बनाने का प्रयास आगे कर सकते हैं कि आप बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी को खरीदते रहें। उम्मीद है साथियों आज का हमारा सेशन आपको पूरी तरह से पसंद
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।